अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुणगान किया और उनको उत्तर प्रदेश का सफल मुख्यमंत्री बताया। तो वहीं डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के बाद सभी अलीगढ़ वासियों को गर्व महसूस होगा। अलीगढ़ के ताले और हाथरस की हींग को लेकर कहा कि बिजनेस को बढ़ावा देने का भाजपा सरकार काम करेगी। मोदी की गारंटी है कि गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। हाथरस में 40,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। मोदी की गारंटी है कि वह 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को देगी और घरों में लगने वाले ताले अलीगढ़ से जाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत 30 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ देने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने के लिए जनता से एनडीए को वोट करने की अपील की है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि मतदान करने जाते समय उत्सव मनाते हुए जाएं और छोटे छोटे जुलूस के रूप में जाकर मतदान करें। हर पोलिंग बूथ जीतना है, एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सबसे अपील करता हूं और अपना एक पर्सनल काम करवाना चाहता हूं। वह चाहते हैं कि आप सब लोग घर घर जाएं और कहें कि आज अलीगढ़ में मोदी जी आए थे और मोदी जी ने सबको राम राम और राधे राधे कहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पहले मतदान, बाद में जलपान। पहले मतदान करें, उसके बाद उत्सव के रूप में जलपान करें। हमारे विश्वकर्मा साथी भांति भांति के काम से जुड़े हैं। कोई मूर्तिकार है, कोई पॉटरी काम करता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई जूते बनाता है। ऐसे मेरे सभी परिवारों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की विशेष पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। साथियों, मोदी की हर गारंटी का सीधा लाभार्थी गरीब है, लाभार्थी मेरा गरीब को लाभ मिलता है। मेरा गरीब भाई परिवार है, मेरा पिछड़ा भाई परिवार है और इन गारंटियों का लाभ मध्यम वर्ग को भी होता है, फैक्ट्री वाले को, दुकान वाले को, मजदूर को, गाड़ी चलाने वाले को, सबको होता है। अब जैसे अलीगढ़ और हाथरस में गरीबों के 40,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके हैं, इन घरों को बनाने के लिए जो सामान लगता है वो तो यहां के कारखानों से, यहां की दुकानों से ही जाता है। यानी गरीब को घर मिला और बाकियों को उससे काम मिला। और अब तो मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है और घर बनेगा तो सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगी, टाइल भी लगेगी, दूसरा हार्डवेयर भी लगेगा। और इतना ही नहीं, जब झुग्गी झोपड़ी में रहता है तब ताला लगता है क्या? नहीं लगता ना। और घर मिल गया तो ताला लगेगा नहीं लगेगा? और ताला कहां से जाएगा? ताला अलीगढ़ से जाएगा। आप कल्पना कीजिए कितने ही गरीबों का जीवन सुधरेगा, कितना कारोबार बढ़ेगा। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां खेती, किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है कि अपने मोदी जी अलीगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राधे राधे कहा है, राम राम कहा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।